श्रीमद् भगवद गीता एक अभूतपूर्व ग्रंथ है। विश्व का लगभग 400 से भी अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया। यही बताता है कि यह ग्रंथ सर्वमान्य है और सर्वोपयोगी भी, क्योंकि इस संसार में हर एक मनुष्य के जीवन में अर्जुन जैसी स्थिति आती जाती रहती है, किन कर्तव्य मूड हो जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है समझ नहीं पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसी स्थिति, ऐसी जो घटनाएं जीवन में घटती हैं, जो लगभग अर्जुन जैसी हाल हर आदमी का हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लेना है, किस तरह निर्णय लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब का निर्णय करने के लिए हरेक व्यक्ति को गीता अत्यंत उपयोगी होती है। और विशेष तौर पर जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु है, जो भक्ति है, भक्त परायण है, इन लोगों के लिए तो अत्यंत अमूल्य सहयोगी ग्रंथ है, एक जीवन साथी जैसा ग्रंथ है, जो हर एक मोड़ में साधना की हर एक मोड़ में, हर एक कठिनाई में, हर एक असामंजस्य में भी सही समाधान का दिग्दर्शन मार्गदर्शन करता है गीता। क्योंकि गीता में जिस प्रकार से कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय किया है, और समन्वय को यदि हम अपने जीवन में समन्वय कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एक खेती है, हम इसमें धान बोना चाहते हैं, तो पहले हम उसको जोतते हैं, उस जोतने के बाद में उसे पानी छोड़ते हैं, पानी के साथ भी पुनः जोता जाता है और फिर धान की रोपाई करते हैं, फिर उसको 3 महीने तक संभालेंगे तब धान का फसल कटता है। जिस प्रकार एक सामान्य रूप से यह संसार में इस कृषि कार्य को देखते हैं, उसी प्रकार से भगवान ने गीता में कह दिया हमारे शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब क्या है, खेती है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विद्यते, ऐसे इस खेती में, वह खेती भी हमारे पास दो है, एक स्थूल शरीर रूपा खेती है, एक सूक्ष्म शरीर रूपा खेती है। इसको पहला श्लोक में संकेत करते धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव मामगा पांडवाश्चैव किमकुर्वत संज्ञा। यह धर्म क्षेत्र का अर्थ है सूक्ष्म शरीर में और कुरुक्षेत्र का अर्थ है स्थूल शरीर में। समवेतायुत्सव, इकट्ठा हो गए हैं लड़ने की इच्छुक लोग। लड़ने की इच्छुक कौन है हमारे इन दोनों शरीर में? अपने जो सात्विक वृत्ति है, राजसी वृत्ति है, तामसी वृत्ति, मन कभी तमोगुण को लेकर आगे बढ़ना चाह रहा है तो कभी रजोगुण को लेकर, कभी सत्वगुण, ये वृत्तियां आपस में टकरा रही। आप अच्छा करना चाहते हैं तो नहीं होता है, आप पूरे आपसे हो रहा है आप रोक नहीं पा रहे, ये स्थिति भी संवेद से कह दिया। और उनमें से वास्तव में आपके अपने हित करने वाले मामका केवल सात्विक वृत्तियां ही होती है। और पांडवाश्च जो कह देते हैं, पांडव मने श्वेत शुक्र शुद्ध मने सात्विक, मामका ममत्व से युक्त जो होते हैं राजस और तामस। तो मामका शब्द के द्वारा राजस तामस वृत्तियों को बताया गया, जो अधिकतर रहते इसलिए पहले उसका, पांडवास्ते जो कम होते हैं
कम संख्या में भी है, पांच है पांडव कथा में भी, और कौरव जो मामका है धृतराष्ट्र के वो 101 है। कर्ण को लेकर 101 है, 101 के पांच है, राजस और तमस वृत्तियां ज्यादा है और सात्विक वृत्तियां कम होती है, इसलिए जो ज्यादा संख्या को पहले रख दिया मामका फिर पांडव राष्ट्रीय। पर पूछते कि मकुर वो तो संजय, हे संजय बताओ इन्होंने क्या किया, वहां क्या हुआ, ऐसी स्थिति में जीवात्मा को करना क्या चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए या क्या करना चाहिए, इस प्रकार से संजय कोई जितेंद्रिय व्यक्ति से पूछ रहा है। अज्ञानी जिस तरह राष्ट्र को मैंने शरीर को धारण किया है, ऐसे जीवात्मा अहंकार जीवात्मा ज्ञान जीवात्मा एक ज्ञानी मुनि महात्मा से पूछता है, ऐसे श्लोक का गूढ़ अर्थ है। उसी को आगे उन्होंने खेती किया है समझा दिया, इसलिए क्षेत्र शब्द का अर्थ से अर्थ समझा दिया था। और इस शरीर में हम क्या देखते हैं, मुख्य रूप से तीन शक्तियां हैं। एक तो स्थूल शरीर में काम करने की शक्ति क्रिया शक्ति है, दूसरी हृदय में भावनात्मक शक्ति है, और तीसरी से मन में विचारात्मक शक्ति है। और यह शरीरगत शक्ति को शास्त्र में विधान किए गए कर्मों में प्रवृत्त कराते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कराएंगे तो शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, गलत रास्ते में प्रयोग हो रहा है। इसको सही रास्ते में कैसे लाया जाए, क्या करना चाहिए, इसे बताने के लिए ही पहला 6 अध्याय में निष्काम कर्मयोग का प्रतिपादन किया। दूसरी है भावनात्मक शक्ति, जो अधिकतर हम अपने बच्चे पति पत्नी मां बाप के प्रति प्यार करता हुआ प्यार में बहा देते हैं, एवं उस प्यार को ही उस भावना शक्ति जिसको हम सांसारिक पदार्थों की ओर से बहाते हैं तो उसका नाम प्यार होता है, और वही भावनात्मक शक्ति भगवान की ओर बहाते हैं उसका नाम भक्ति होती है। अच्छा दूसरे जो 6 अध्याय है उन 6 अध्यायों में भक्ति प्रधान का वर्णन किया, किस तरह से भगवान का भक्ति करना है, कैसे उसका चिंतन करना है, क्या उसका वास्तविक स्वरूप विराट रूप आदि का वर्णन किया है। और अंतिम 6 अध्यायों में मन का जो विकार विचारात्मक शक्ति है इसके लिए जो खुराक कि हमने तो गलत विचारों में लगे रहते हैं, राजनीतिक विचारों में लगते हैं, घरेलू विचारों में लगे रहते हैं, सांसारिक विचारों में लगे रहते हैं, इन इसको वहां से हटा करके जो दुखदायी विचारों से निकाल करके सुखदायक विचारों की ओर आगे बढ़ाने के लिए ही ज्ञान प्रक शक है उसे ज्ञान योग करते हैं। सब पहले 6 अध्याय में कर्मयोग है निष्काम कर्मयोग, आपके शरीर विद्यमान जो क्रियात्मक शक्ति है कार्यात्मक शक्ति है स्थूल शक्ति है उसको दिशा निर्देश देता है। फिर मध्य भाग में जो 6 अध्याय है आपके हृदय की भावना शक्ति का दिशा निर्देश दे रहा है, और अंतिम जो 6 अध्याय है ज्ञानात्मक जो आपकी विचारात्मक शक्ति है ज्ञानयोग के द्वारा मोक्ष को आगे बढ़ा देता है। एक तरह से कर्मयोग इस अंतरंग रूपी क्षेत्र को जोतना है, भक्ति योग उसमें जल को सींचना है, और ज्ञान योग उसमें रोपाई करना है, बीज डालना है, जिसका नतीजा क्या होगा, मोक्ष में फसल हमें प्राप्त हो सकता है। ऐसी यह महान गीता के अंदर भी ही वर्णन कर दिया 7वें अध्याय में कि वास्तव परमात्मा का भजन कौन कर पाता है। लोग कहते हैं हमें भगवान ने क्यों दुखी रखा है, सारे संसार दुखी क्यों है, इन भगवान ने सबसे पहले गिनाते हुए कहा मेरा पहला भक्त तो आप नहीं होता, आप तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत अर्शव। कहते देखो अर्थ जो पीड़ित होता है वह उसको पीड़ा इसलिए दिया गया है, उसके पूर्व कर्मों के अनुसार उसको दिया गया पीड़ा का मुख्य उद्देश्य लेकिन केवल कर्म फल भुगताना नहीं है, उसको भगवान की ओर मोड़ना है, वो दुख में भगवान को स्मरण करता है। इसलिए भगवान चाहते हैं हर एक व्यक्ति ईश्वर की ओर आगे बढ़े, इसलिए भगवान हर व्यक्ति को उसके किए हुए कर्मों के फलस्वरूप दुख अधिक से अधिक देता है ताकि भगवान की ओर मुड़ जाए। और दूसरा कहते जिज्ञासु ज्ञान चाहता है वह जरूर भगवान की ओर जाता है, कोई गणेश जी का पूजा कर रहा है, कोई सरस्वती का पूजा करता है ताकि मुझे विद्या मिले मैं रैंक से पास हो जाऊं। तो जिज्ञासु जो ज्ञान की इच्छुक होता है
वह भी ईश्वर की प्रार्थना करते, ईश्वर का भजन करता है। तीसरा, जो आज के जमाने में मुख्य रूप हम देख रहे हैं, उनको लिया है भगवान ने अर्थ प्रदान जगत के समय में है अर्थार्थी। अर्थ का अर्थ वहां पर अनेक है, इन मुख्य दो ही लिया जाता है, एक तो प्रयोजन और दूसरा धन। व्यक्ति अपना प्रयोजन में सफलता पाने के लिए भगवान का स्मरण करता है। जो भी उसका प्रयोजन है, मकान बनाना है, दुकान बांध चलना है, चलाना है, खेती करना है, अपना कोई भी कार्य करना है, निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो, उसके लिए भगवान का स्मरण करता है। प्रयोजन यानी उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए भगवान का स्मरण करता है। और अर्थपन धन के लिए भी व्यक्ति भगवान को स्मरण करता है, लक्ष्मी का पूजन करेगा, कुबेर का पूजन करता है, अनेक यक्ष आदि देवताओं की पूजा करता है, और भगवान के अनेक रूप है, ये इनकी पूजा कर भगवान की पूजा करता हुआ भगवान के द्वारा फल प्राप्त करता है। और अंत में जो सर्वश्रेष्ठ है, इस आगे भगवान ज्ञानी तो आते ही मतम कह देते हैं, वह है ज्ञानी। ज्ञानी वास्तव में भगवान का भजन करता है। ये ज्ञानी उस परमात्मा को किसी फल के लिए प्रार्थना नहीं करता है, किसी फल के लिए उनका भजन नहीं करता है, किसी फल के लिए उनका स्मरण नहीं करता है, क्योंकि वह अनन्य भाव से अनन्याश्चिंतयन्तो माम गीता में कहा है, अनन्य भाव से भक्ति करता है, माने भेद को त्याग करके। लेकिन अधिकतर लोगों को देखा गया दास भाव से करते हैं, भेद भूख पूर्वक ही करते हैं। उपास्य परमात्मा है, मैं उसको उपासक हूं, ऐसे उपास्य उपास्य भेद पूर्वक भक्ति करते हैं, लेकिन वह भजन भी अनित फल देने वाला है। लेकिन कहा है कि जो अल्प होता है वो अनित्य होता है, विनाशी होता है, और ये जहां पर द्वैत होता है वह अल्प होता है, भय होता है। यत्र द्वैत विभवति तत्र भयं भवति। शास्त्रकार साफ कहते हैं, जब किंचित भी द्वैत नहीं हो, किंचित भी लेश मात्र द्वैत के समान भी यदि आपके अंदर भान होने लग जाए तो आप भय भय होता है संसार का। अतएव व्यक्ति का कर्तव्य होता है अनन्य भाव से भगवान का भजन करें। इसीलिए जितने भी पूजा पाठ में भी, मंत्रों का जप में भी, स्तोत्रों का पाठ में भी, जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं उनके साथ अनन्य भाव पाने के लिए ही न्यास करने का प्रक्रिया है। हृदय आदि न्यास होता, ऋषि आदि न्यास सबसे पहले करते, इस स्तोत्र को किसने बनाया, अस्य श्रीमद् भगवद् गीता महा माला मंत्रस्य वेदव्यास ऋषि। श्री कृष्ण परमात्मा देवता, ये जो करें ऋष्यादि न्यास है, पहले ऋष्यादि न्यास किया जाता है, फिर करन्यास किया जाता है, फिर अंग न्यास किया जाता है। कम से कम तीन न्यास के द्वारा हम वह जिस स्तोत्र के द्वारा जिसकी स्तुति कर रहे हैं उस देवता का, उस ईश्वर का, उस भगवान का अपने से अभिन्न करते। सिर्फ फलपूर्वक सकाम पुरुष को भी न्यास करने के लिए अनिवार्य कह दिया गया है। देवो भूत्वा देवानजित, देव भाव को प्राप्त करके देवताओं का यजन करे, और अतएव जा फल अंत में देवो भूत्वा देवानप्येति, और देव भाव को प्राप्त कर देवता ही बन जाता है अंत में मरणोत्तर काल में। इस प्रकार से भी श्रुति स्मृतियों में वर्णन किया गया है। इसीलिए हर मनुष्य कर्तव्य है गीता का इस सार को समझते हुए, गीता को हर प्रकार से अपने को उपयोग करता हुआ, कि गीता खुद ही कह रहे हैं अंत 16 अध्याय में, तस्मा शास्त्र में प्रमाणम थे कार्याकार्य व्यवस्था, शास्त्र ही प्रमाण होता है कर्म क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी व्यवस्था देने में। इसे गीता से पढ़कर और कोई शास्त्र सरल शास्त्र नहीं है जो हर व्यक्ति को समझ में आए और हर व्यक्ति कर्तव्य निर्णय कर सके। इन्हीं शब्दों से वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम सत्।